दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और सभी का बिल बढ़ के आने वाला है या फिर बढ़ के आने लगा है। ऐसे में आपको बिल में कौन कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देनी चाहिए ताकि आप ये जान पाए कि आपका बिल प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, आपको उसमें कुछ चेंज करवाने की जरूरत है या फिर कैसे आप उसको प्रॉपर कर सकते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी आने से हमारे घरों का खपत बढ़ जाता है क्योंकि हमारे घर में जो पंखे चालू हो जाते हैं, एसी चलना चालू हो जाते हैं, अगर कूलर है तो कूलर चलना चालू हो जाता है, जो कि सब ठंडी में बंद रहते हैं। ठंडी के दिनों में ये सब चीज़ें चलती नहीं है, तो ठंडी में ऐसे ही बिल हमारा कम आता है, उसमें हमारा लोड भी कम इस्तेमाल होता है, तो हमारा बिल ठंडी ठंडी में कम कम रहता है, उसमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे गर्मी आती है हमारा कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, लोड भी बढ़ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके बिल में चेंज हो जाती हैं और उसके कारण आपका बिल भी बढ़ जाता है। तो गर्मी में आपको दो चीज़ें बढ़ जाती हैं, पहला कंजम्पशन और दूसरा लोड। तो आपको ये दोनों चीज़ें को आपको बिल में देखना है कि आपका कंजम्पशन क्या जा रहा है, आपका लोड क्या जा रहा है। अगर आपका कंजम्पशन बढ़ गया है, कंजम्पशन ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, जो भी आप एसी चला रहे हैं तो एसी में कंट्रोल करिए। कंट्रोल करने का मतलब है कि आप एसी का टेम्परेचर 25 से ऊपर रख सकते हैं। जो भी घर में या जिस रूम में चला रहे हैं उसको आप पूरी तरह अच्छी तरह से पैक करिए ताकि कहीं से भी ठंडी हवा लीक ना हो। जितना ज़्यादा लीकेज रहेगा उतना ज़्यादा आपका एसी ज़्यादा बिजली के बिल उठाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर अपना बिजली बिल कम कर सकते हैं। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको अगर एसी चला रहे हैं तो चलाना ही है, आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। अगर गर्मी पड़ रही है तो आप चाहे जितना कंट्रोल कर लें उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा। तो इसमें तो आप सिंपल है, आप समझ रहे हैं कैसे कंट्रोल करना है। दूसरा चीज़ आता है आपका लोड का। तो आपको लोड भी देखना है कि आपका लोड जो कनेक्शन का है वो कितना लोड जा रहा है, कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई फाइन तो नहीं लग रहा है। तो चलिए हम लोग एक बिल में देखते हैं इन दोनों चीज़ों को कि किसका क्या मतलब है, फिर हम आपको समझाते हैं कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और कैसे आपको उसको चेक करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर एक बिल देखिए, एक डोमेस्टिक कनेक्शन का बिल है। आप देखिए इनका कैटेगरी है DS2D, ये सारी घरेलू कनेक्शन है। इनका लोड है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का इन्होंने कनेक्शन लिया है और ये इस्तेमाल कर रहे हैं 2.16, थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है। इनका खपत अगर देखेंगे 89 यूनिट है, तो खपत तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है इनका। अगर आप देखिए पहले का खपत इनका 150 यूनिट था, जनवरी में दिसंबर में 122 यूनिट था, 115 यूनिट था, तो कम था। अभी भी खपत कम है बट इनका लोड बढ़ा हुआ है। लोड बढ़ा हुआ है हो सकता है क्योंकि कोई अप्लायंस इन्होंने ऐड कर दिया हो या फिर ज़्यादा लोड का सामान इस्तेमाल करने लगे हैं, जो भी रीज़न हो। तो आपको ये दो चीज़ें देखना है, ये खपत देखना है, खपत कितना हो रहा है, और दूसरा देखना है आपका लोड कितना जा रहा है। और खपत ज़्यादा जा रहा है तो वही आपका इशू है कि आपका जो भी आप सामान चला रहे हैं वो ज़्यादा टाइम तक चल रहा है, एसी ज़्यादा चल रहा है, तो आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप बेटर जानते हैं। दूसरा चीज़ है लोड को क्या देखना है। आप यहाँ पर देखिए जितना लोड आप कनेक्शन लिए हैं उससे अधिक इस्तेमाल तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो अभिलिखित डिमांड आ रहा है, जो रिकॉर्डेड डिमांड आ रहा है, ये आपका सैंक्शन लोड से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। अगर कम आ रहा है, 2 किलोवाट है, उससे अगर नीचे आ रहा है, 1.5 आ रहा है, 1.8 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, मतलब 2 से कम आ रहा है, तो फिर ठीक है। आपके केस में अगर मान लीजिए सैंक्शन लोड आपका 5 है तो 4.8 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर उससे अधिक आ रहा है, अगर 2 है यहाँ तो 2.16 आ रहा है, तो इस केस में आपको फाइन लगता है। तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब है कि या तो अपने लोड को इस्तेमाल करना कम कर दीजिए या फिर अपने कनेक्शन का लोड बढ़ा लीजिए, क्योंकि हर 1 किलोवाट के लिए अगर डोमेस्टिक में अगर आप 1 किलोवाट एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो आपको 160 रुपया लगता है, यानी कि 80 रुपया आपको एक्स्ट्रा लग गया। अगर आप वहीं लोड बढ़ा लेंगे तो आपको 80 रुपया लगेगा, लेकिन लोड नहीं बढ़ाते हैं तो आपको 160 रुपया लग रहा है, तो हर किलोवाट पे आपको 80 रुपया का नुकसान है। अगर यहीं कमर्शियल की बात करें, अगर डोमेस्टिक के लिए तो 80 रुपया है, कमर्शियल की बात करें तो उसमें आपको फिक्स चार्ज है 300 रुपया, मतलब 1 किलोवाट अगर आप एक्सीड करते हैं तो आपको 300 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है। अगर आप लोड नहीं बढ़ाए हुए हैं तो मतलब आपको फाइन के रूप में तो आपको समझिए 600 लग गया, बट अगर आप लोड बढ़ाए रहेंगे तो 300 तो आपको लगना ही है, लेकिन अगर लोड आप नहीं बढ़वाए हैं तो 600 रुपया लगता है। तो ऐसे में आपको हर 1 किलोवाट के लिए 300 रुपये का नुकसान है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपको लोड आपका कितना है और कितना इस्तेमाल हो रहा है। उसमें जो आपका लोड इस्तेमाल हो रहा है वो कम हो रहा है आपके सैंक्शन लोड से या ज़्यादा हो रहा है। कम हो रहा है तो प्रॉपर है, ज़्यादा हो रहा है तो आपको अपना लोड बढ़ाने की ज़रूरत है। आप उसे कैसे चेक करेंगे बिल में, आप बिल देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कम इस्तेमाल कर रहे हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको देखिए, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको यहाँ पे जो फाइन का चार्ज आता है, यहाँ पे देखिए अधिक डिमांड प्रभार है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड चार्ज, या फिर यही आपका लोड का फाइन है। तो यहाँ पे आपको फाइन में आ रहा है कितना आपको नुकसान हो रहा है। अगर आप ये लोड 3 किलोवाट कर लेंगे, अगर ये 2.1 की जगह पे ये 2 है, इसको 3 कर लेते तो आपको ये 77 रुपया जो लग रहा है फाइन, ये बच जाएगा। ये 29 दिन का बिल है इसलिए 77 रुपया, नहीं तो ये 80 रुपया है। ये 30 दिन का अगर बिल बनाता तो ये 80 रुपया रहता। वैसे ही अगर ये कमर्शियल कनेक्शन होता तो 30 दिन के लिए आपको फाइन कितना लगता है, 300 रुपया लगता है। तो आप वो चीज़ें बचा सकते हैं। अगर किसी का मान लीजिए 2 किलोवाट एक्सीड कर गया तो 600 रुपया मंथली नुकसान हो जाएगा।
तो वो चीज आप बचा सकते हैं, अपना लोड चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग लोड आप बढ़ा लीजिए। दोस्तों आप अपने कनेक्शन का लोड कैसे बढ़ाएंगे, उसमें कितना चार्ज लगता है, क्या प्रोसेस है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अब मैं एक चीज और बता देता हूं कि किन लोगों को ये चीजें जरूर चेक कर लेनी चाहिए अपने बिल में। हो सकता है सबको जरूरत नहीं है, बहुत लोगों का बिल प्रॉपर चल रहा है, लेकिन जिन्होंने कनेक्शन पिछले गर्मी के बाद लिया है, यानी ठंडी के दिनों में कनेक्शन लिया है, उनका लोड पहले कम होगा, अभी बिल बढ़ जाएगा, तो उनको जरूर चेक कर लेना चाहिए एक बार अपना लोड कि आपका बिल में कितना लोड आ रहा है, उनका कोई फाइन तो नहीं लग रहा है। दूसरे वैसे लोग जो इस गर्मी में हेवी अप्लायंस खरीद रहे हैं, मतलब अगर उन्होंने कोई एसी खरीदा है, कूलर खरीदा है, या कुछ भी इस तरह का जो ज्यादा लोड का अप्लायंस है, अगर उन्होंने कोई खरीदा है घर पे यूज करने के लिए, उसको यूज कर रहे हैं, तो बिजली का कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लोड भी बढ़ जाएगा। कंजम्पशन में आप कंट्रोल नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, आप अपना लोड को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब लोड आप अपने बिजली का बिल का बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण आप अपना बिल में फाइन को हटा ले, फाइन को जीरो कर लीजिए, क्योंकि फाइन देने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग लोड रखिए, ताकि आपको कोई फाइन नहीं लगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने घर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नए वीडियोस लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।